हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। फिर सातवें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि शालतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादा के पुत्र यहोशु महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह कि तुम में से कौन रह गया जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है। अब तुम इसकी कैसी दशा देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उसकी अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे साथ मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा और मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ कि यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर हग्गई ने पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया कि हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गई ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे ही है और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से आता तब 10 ही पाता था और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लूह और गेरुई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। और अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई उस दिन से लेकर 9वें महीने की इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी? इसका सोच विचार तो करो, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक तो दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा। फिर उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गई के पास पहुंचा कि यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यो कह कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपाऊंगा और मैं उस राज्य की गद्दी को उलट दूंगा और अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को चढ़वइयों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन हे शालतियेल के पुत्र
मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, और यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।